चावल भारत के बहुत सारे राज्यों में उगाया और खाया जाता है। तो मैंने सोचा आज चावल के आटे से एक मिठाई बनाते हैं, अनरसा। नाम तो सुना होगा, जो चावल के आटे और तिल से बनता है। हम अनरसा बनाएंगे तो सही, पर बिना तले हुए, बहुत ही हेल्दी तरीके से और एक ट्विस्ट के साथ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चीनी को इलायची के साथ ग्राइंडर में पीस लीजिए। अब इसको चावल के आटे के साथ मिलाइए। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध डालकर उसका एक बैटर तैयार करिए। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, वरना लम्स आ जाएंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इडली के बेस से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। बैटर तैयार हो जाए तो इसको 3-4 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। अनरसे में ट्विस्ट देने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी सिरप, चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो आप कोई भी फ्लेवर या फ्रूट पल्प या सिरप डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स और ग्रेटेड कोकोनट। अच्छे से मिक्स करिए। देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल इडली वाली हो गई है। अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक पार्ट में हम मिलाएंगे हर्शीज का चॉकलेट सिरप। आप कोई भी चॉकलेट सिरप मिला सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए। दूसरे पार्ट में मैंने मिलाया स्ट्रॉबेरी सिरप। और तीसरे पार्ट को मैंने बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर में रखा है। आप पे पैन को हाई फ्लेम पे गरम करिए, फिर फ्लेम लो करके उसमें सीसमे सीड्स डालिए। और आप सभी तरह के बैटर को उसमें फिल करिए और उसके ऊपर सीसमे सीड्स यानी तिल और ग्रेटेड कोकोनट को ऊपर से डाल दीजिए। चॉकलेट फ्लेवर का बैटर डालिए। फिर उसके बाद बिल्कुल सिंपल ओरिजिनल फ्लेवर वाला बैटर भी डाल दीजिए। सभी के ऊपर ग्रेटेड कोकोनट और तिल डालिए। इसको ढककर 15 मिनट तक पकाइए। 15 मिनट बाद इसको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी ढककर 10 मिनट तक पकाइए। देखिए ब्राउन हो गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है कि कब जल्दी से बने और कब टेस्ट किया जाए। दस मिनट बाद
ढक्कन को हटाइए और एक चाकू को डालकर देख लीजिए कि पक गए हैं। जो तिल आपे पैन में बचा है उसको फेंकिएगा मत, वो रोस्टेड है। और प्लेटिंग करते समय उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। लीजिए डिलीशियस हेल्दी अनरसे तैयार हैं। इनको शीशे की जार में भर कर रखिए और जब भी कोई मेहमान आए तो उसको खिलाइए। इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप इसको हनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। बच्चे हनी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और उनके लिए न्यूट्रिशन भी 100% हो जाएगा।